हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रेकी से मैं स्वागत करती हूँ। 9 दिन के व्रत यानी कि जो फास्टिंग है वो अब खत्म हो चुका है और उसके बाद हम सभी को कुछ चटपटा और साथ ही में कुछ हेल्दी खाने का मन करता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी सूजी नमकीन केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बनती है, बहुत ही क्यूट शेप में बनती है और उसके खाने के बाद आपका जो मुँह का स्वाद है वो दोबारा आ जाएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। बनाना शुरू करते हैं, बट बनाने से पहले हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने बड़ा साइज का बाउल लिया है। बाउल में हम 1 कप बारीक सूजी यानी कि रवा लेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप गेहूं का आटा है, उसे भी डालेंगे। 1/2 कप बेसन डालेंगे और यहाँ पे मैंने 1 कप कद्दूकस किया हुआ लौकी लिया है। जब आपको ये रेसिपी बनानी हो तभी आप लौकी को जो है कद्दूकस करके ले, वरना पहले से अगर आपने करके रखा तो जो कद्दू है वो काला पड़ने लगता है। यहाँ पे मेरे पास एक छोटे साइज का प्याज था जिसे भी मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहो तो छोटे छोटे पीसेस में भी इसे कट करके ले सकते हैं। इसे भी इसमें डाल देते हैं। 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। हमने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है तो अजवाइन की वजह से बेसन जो है वो थोड़ा भारी नहीं होगा। 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, 2 छोटे चम्मच के करीब तेल और हल्के से खट्टेपन के लिए और इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 1/2 नींबू है तो उसका जूस इसमें डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं तो इसे अब हम अच्छे से मिला देंगे। इसे मिलाते समय हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें हमने लौकी और प्याज डाला है तो लौकी और प्याज जो होता है वो अपना खुद का पानी छोड़ता है, जो कि सफिशिएंट यानी कि काफ़ी हो जाता है इस आटे को अच्छे से गूंदने के लिए। और इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है और इसे मिलाते समय मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए, ये अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है। हमारा जो मिक्सर है बिल्कुल बनकर रेडी है। यहाँ पर मैंने इडली कुकर लिया है, इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अगर आपके पास इडली कुकर नहीं है या इस तरह का स्टीमर नहीं है तो आप नॉर्मल भगोने में भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इस तरह की स्टीमर थाली है तो इसे हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास हार्ट और स्क्वायर शेप का मोल्ड है, इन्हें भी हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस तरह से इसे हम स्टफ़ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे शेप देना है। आप कोई भी शेप और कोई भी साइज़ का इसे बना सकते हैं। तेल लगाने से ये देखिए, ये आसानी से छूट जाता है। तो ये बनकर रेडी है। अब हम इन्हें स्टीमर में बड़ी सावधानी से रखेंगे और इसे इस तरह से ढककर 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो टूथपिक है वो क्लीन निकला है। आप इसे एज इट इज चटनी के साथ खा सकते हैं, बट इसे और थोड़ा सा फ्लेवरफुल और क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच सरसों, ये देखिए सरसों भी चटकने लगा है। साथ ही में हम 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डालकर इसे मिला लेते हैं। और फिर हम इसमें हमने जो नमकीन केक बना के रेडी कर लिए है इन्हें डालेंगे और इस तड़के में टॉस कर लेंगे, जिससे कि जो सारा तड़का है वो अच्छे से इनके ऊपर कोट हो जाए। दोनों तरफ से इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि ये चटपटे और थोड़े क्रिस्पी भी हो जाए। ये देखिए, बनकर रेडी है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी सूजी नमकीन केक बनकर रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। चटनी के साथ तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। सेम मैटर से मैंने आपको एकदम सिंपल इडली भी बताई थी, जो कि इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इस बैटर से इडली भी बना सकते हो या फिर इस तरह से सूजी नमकीन केक भी बना सकते हैं। तो इन रेसिपियों को आप जरूर बनाएं, अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पे इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा।
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।